बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो सवाल है हमारे यूपी के डिप्टी सीएम से मुतालिक केशव प्रसाद मौर्य जी का, कि अब अयोध्या की बात काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूं कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और ये जिस तरीके से उन्होंने बहुत से जुमले कहे, उसी तरीके से जनता इसको भी एक जुमला समझ के इग्नोर कर देगी, नजरअंदाज कर देगी। और अब जो इलेक्शन 2022 का होना है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर होना है, स्वास्थ्य के ऊपर होना है, शिक्षा के ऊपर होना है, महंगाई कम कौन करेगा इस पे होना है, किसानों के मामलात को कौन हल करेगा उसके ऊपर होना है।